हेलो हेलो। सर, आपका दो माइक ऑन है, एक्चुअली एको कर रहा है। मिनट। हाँ तो बताओ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? LRCR सर्किट हो गया ना? यस सर, एलसीआर ओके, पढ़ना था। LCR पढ़ना है। ओके ठीक है, तो आज का टॉपिक है सीरीज LCR सर्किट। सीरीज LCR सर्किट, इन सीरीज LCR सर्किट देयर इज सेल्फ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेसिस्टेंस व्हिच आर कनेक्टेड थ्रू द एसी सर्किट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द LCR सर्किट। दिस इज द LCR सर्किट। In which there is self inductance, capacitance, and the resistance. This is coil which is behave as a self inductance, and there is also capacitor. And there is also a resistor. The self inductance of the coil is L, capacitance is C, and resistance is capital R, which are connected through the AC source. Suppose this is the AC source and the EMF of the AC source is E is equal to E naught sine omega t. This is EMF of the AC source. Now, first we want to calculate the impedance. Can you tell me what is the impedance? Please tell me what is impedance. सर, इम्पीडेंस ये मतलब एसी करंट वाला, यस मतलब एक ही फॉर्मूला है, इम्पीडेंस जेड। यस दिस इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ एसी सर्किट। यस, करेक्ट आंसर। इम्पीडेंस इज द टाइप ऑफ रेजिस्टेंस इन एलसीआर सर्किट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द इम्पीडेंस डायग्राम। दिस इज अलोंग द वाई एक्सिस। This is along the x-axis. Along x-axis, it's represent capital R. Along y-axis, this is XL. And along y-axis, along y-axis this is xc. Okay. In this situation xl is greater than xc. xl is greater than xc.
यहाँ पे जो इम्पीडेंस डायग्राम जो लिया जा रहा है, इस इम्पीडेंस डायग्राम में ये कंसीडर किया जा रहा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा है, और अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर ज्यादा है तो उसको पॉजिटिव वाई एक्सेस पे लेंगे, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर कम है तो इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस को नेगेटिव वाई एक्सेस पे लेंगे। ओके यस एनी क्वेश्चन? यस सर, नो सर। एंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस डायग्राम अलोंग द डायगोनल, एंड दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट, एंड दिस रिजल्टेंट इज नोन एज इम्पीडेंस, दिस रिजल्टेंट इज नोन एज इम्पीडेंस। दिस इज परपेंडिकुलर एंड सपोज दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। दिस डायग्राम इज नोन एज इम्पीडेंस डायग्राम एंड अलोंग द डायगोनल दिस इज रिजल्टेंट एंड दिस रिजल्टेंट इज नोन एज इम्पीडेंस। अलोंग द परपेंडिकुलर दिस इज एक्सएल माइनस एक्ससी। ये देखो एक्सएल तुम्हारा वाई एक्सिस पे, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, और एक्ससी तुम्हारा नेगेटिव वाई एक्सिस पे, तो दोनों का रिजल्टेंट यस क्या सर, होगा? दोनों का रिजल्टेंट होगा एक्सएल माइनस एक्सेल माइनस एक्ससी। ओके एक्ससी। हाँ करेक्ट। एंड सपोज दिस इज द रेसिस्टेंस कैपिटल आर। ओके दिस इज नोन एज अ इम्पीडेंस डायग्राम। हम लोगों ने पिछले वाले सर्किट में भी इम्पीडेंस डायग्राम पढ़ा था, मैंने वहां बताया था कि इम्पीडेंस डायग्राम कैसे निकाला जाता है और क्यों निकाला जाता है। इम्पीडेंस डायग्राम निकाला जाता है इम्पीडेंस को निकालने के लिए। कैन यू टेल मी हाउ वी फाइंड आउट द इम्पीडेंस बाय दिस डायग्राम? सो पाइथागोरस थ्योरम। यस करेक्ट, बिल्कुल सही। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी आर कैलकुलेटिंग द इम्पीडेंस। यू नो दैट दिस इज जेड स्क्वायर एंड दिस यस इज सर, इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी टू द होल स्क्वायर एंड प्लस प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। करेक्ट। देन इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू रूट ओवर एक्सएल माइनस एक्ससी टू द होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके दिस इज इम्पीडेंस। तो ये आ गया इम्पीडेंस। ठीक है, दिस इज इम्पीडेंस। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द करंट, आरएमएस करंट। फॉर कैलकुलेटिंग द आरएमएस करंट वी नो दैट फॉर्मूला इज, कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द आरएमएस करंट? आरएमएस करंट आई इज आई इक्वल टू, इक्वल्स टू ई बाई जेड। यस करेक्ट, बिल्कुल सही। ई अपॉन जेड, और जेड का वैल्यू पुट कर देना। जेड देखो मैंने ऊपर निकाला हुआ है बाय इम्पीडेंस डायग्राम, और इस इम्पीडेंस डायग्राम की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, आई एक्सएल निकल जाएगा। माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस हाँ आर स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही। ओके नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द फेज डिफरेंस। सपोज दिस इज द फेज फाई, ये देखो ये फेज फाई है, तो इस फेज फाई को निकालने के लिए हम लोग फिर से ये वाला डायग्राम यूज करेंगे। ठीक है, ये देखो फॉर फाइंडिंग आउट द फाई, फाई इज नोन एज अ फेज डिफरेंस। यस सर, फाई इज नोन एज अ फेज फेज डिफरेंस। डिफरेंस। We are using tan phi. You know that tan phi is equal to perpendicular upon base. तो perpendicular यहाँ पे होगा AB और base तुम्हारा यहाँ पे होगा OB. Okay? Yes sir. Then tan phi is equal to हो जाएगा
What is AB? Can you tell me? So What is it? AB is XL minus XC. Yes, correct. XL minus XC. And OB is equal to R. R. Yes. Then tan phi is equal to XL minus XC upon R. And this formula is using to calculate the tan phi. Okay. By this formula, we are calculating the phase difference phi. Yes, sir. Okay, अब देखो. Next, we want to draw the phasor diagram. Phasor diagram, okay. In phasor diagram, we plot the phase of voltage and EMF with the diagram, and this diagram is in XY plane. Suppose this is X axis and this is Y axis and this is point O. First of all, we draw the alternating EMF. ये देखो, ये है अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग ईएमएफ. दिस इज अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड यू नो दैट फेज ऑफ द अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज ओमेगा टी. ओके, दिस इज फेजर डायग्राम. यस सर. दिस इज फेजर डायग्राम. Again, we are representing the voltage across the resistor, and you know that voltage across the resistor is VR. Voltage across the capacitor is VC, and voltage across the self inductance is VL. Okay. अच्छा ये बताओ, सेल्फ सर इंडक्टेंस में करंट लीड करता है कि लैग्स बिहाइंड होता है? सेल्फ लीड इंडक्टेंस, करता है सेल्फ इंडक्टेंस. सेल्फ इंडक्टेंस में करंट लैग्स बिहाइंड. लैग्स बिहाइंड, लैग्स बिहाइंड. यस करेक्ट. करंट जो होता है, करंट इज लैग्स बिहाइंड. तो करंट को नीचे की ड्रॉप करेंगे और ये तुम्हारा ये वोल्टेज हो गया वी. ओके, तो देखो मैंने करंट को नीचे की तरफ ड्रॉ किया, इसका मतलब ये हुआ कि सेल्फ इंडक्टेंस में करंट जो है दैट इज लैग्स बिहाइंड. अब इसी तरह अगर मान लो हमें कैपेसिटर में ड्रॉ करना है, तो देखो कैपेसिटर में बताओ क्या होता है, करंट लीड करता है कि लैग्स बिहाइंड? कैपेसिटर में लीड करता है. लीड करता है, बिल्कुल सही. तो ये तुम्हारा हो गया करंट, और ये देखो ये वोल्टेज हो गया लैग्स बिहाइंड. करंट लीड कर रहा है तो इट मींस दैट वोल्टेज इज लैग्स बिहाइंड. इफ करंट लीड, इट मींस दैट वोल्टेज इज लैग्स बिहाइंड. ओके, देन वी ड्रॉ द वोल्टेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. अगेन वी ड्रॉ द वोल्टेज एंड करंट in the resistor. You know that in resistance, what is the phase between voltage and current? Phase between voltage and current. हाँ, in resistor, pure resistive circuit. क्या होता है? Phase between voltage. नहीं पता. जीरो, जीरो होता है ना? रेसिस्टेंस में जीरो होता है. रेसिस्टेंस में फेज डिफरेंस जीरो होता है. इट मींस बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम डायरेक्शन. ओके, वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. ओके, तो देखो इसी डायग्राम के हेल्प से तुमको फेजर डायग्राम को प्लॉट करना है. तो जरा ये बताओ, ये जो रेसिस्टर है, रेसिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों का डायरेक्शन
सेम है ना, ये देखो सामने जो मैंने डायग्राम बनाया है इसमें देखो मैंने करंट वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया है, बोथ हैव द सेम डायरेक्शन, देन वी ड्रॉ द वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर, देन वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर दिस इज वी आर, ये देखो दिस इज वी आर, एंड यू नो दैट इट्स फेस इज फाई, इट्स फेस इज फाई। ओके अब हम लोग ड्रॉ करेंगे वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, प्लीज टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज इन द इंडक्टर, लेग्स बिहाइंड आर लेग आर लीड, वोल्टेज वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। सो वोल्टेज तो लीड करेगा ना। हाँ बिल्कुल सही, ये देखो सामने मैंने डायग्राम में देखो बनाया इंडक्टर जो है कॉइल, इंडक्टर मींस कॉइल, इसमें वोल्टेज देखो लीड कर रहा है, करंट लेग्स बिहाइंड है, करंट लेग्स बिहाइंड होने का मतलब क्या हुआ, करंट करंट लेग्स बिहाइंड होने का मतलब ये हुआ कि वोल्टेज लीड कर रहा है। ओके यस सर। तो अब हम अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो हम लोग वोल्टेज को लीड करते हुए दिखाएंगे अक्रॉस द इंडक्टर, इट मींस दैट दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस इज वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, दिस इज वी एल एंड हाउ मच फेज, दिस इज हाउ मच फेज, जीरो पाई बाई टू, इंडक्टर में पाई बाई टू होता है ना, ये देखो इंडक्टर और करंट दोनों के बीच का ये देखो फेज कितना है, दिस इज पाई बाई टू, पाई बाई टू, ये पाई बाई टू होता है, माइनस पाई बाई टू। ओके अगेन वी ड्रॉ द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, यस सर, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, बताओ कैपेसिटर के अक्रॉस करंट लीड करता है कि लेग्स बिहाइंड, वोल्टेज के अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर कैपेसिटर के अक्रॉस करंट क्या लीड होता है, करता है, हाँ करंट करंट लीड करता है, करंट लीड, करंट लीड करता है और हाँ कैपेसिटर लैग करता है। नहीं कैपेसिटर नहीं वोल्टेज, हाँ कर सॉरी, करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज जो है वो अब वोल्टेज लैग्स बिहाइंड है, लैग्स करे हाँ करंट, उसका ऑपोजिट हो जाएगा। हाँ तो करंट लीड करने का मतलब ये हुआ कि मींस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज लैग्स बिहाइंड, इट मींस दैट दिस इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस यस सर, इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस इज वीसी, और देखो ये भी एंगल कितना बना रहा है, हाउ मच फेस, दिस इज पाई ये बाई टू, भी टैन पाई बाय पाई बाई टू। टू ना। ओके एंड दिस इज द फेजर डायग्राम इन विच वी आर रिप्रेजेंटिंग वी सी वी एल एंड वी आर इन द एक्स वाई प्लेन, दिस इज फेजर डायग्राम ऑफ एल सी आर सर्किट। ओके यस सर, इज इट क्लियर, यस सर, चलो ठीक है। अब देखो अगर मान लो तुमसे बोल दिया जाए कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कैलकुलेट करिए, तो बताओ कैसे निकालेंगे वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, वोल्टेज का फॉर्मूला, हाँ वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू, जैसे तुमने पढ़ा है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ पढ़ी हो ना, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इज इक्वल टू होता है आई आर। तो कैपेसिटर के अक्रॉस अगर निकालना है एसी सर्किट में तो बताओ वोल्टेज क्या होगा, वी इज इक्वल टू, वी इज इक्वल टू आई एक्स सी, यहाँ पे हम लोग रेसिस्टेंस क्या लेंगे एक्स सी, रेसिस्टेंस इज एक्सी इन द कैपेसिटर, दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके ना, यस सर, यही होता है, वी इक्वल्स टू आई एक्सी, आई एक्सी करेक्ट। अब इसी तरह अगर मान लो बोल दिया जाए कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, बताओ क्या होगा वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, हाँ आई इक्वल वी इक्वल्स टू आई एक्स एल, हाँ बिल्कुल सही, वी इज इक्वल टू आई एक्सएल, ठीक।
तो ये तुम्हारा जो है अक्रॉस कैपेसिटर था और ये तुम्हारा अक्रॉस इंडक्टर। अब बताओ, अब हम लोग को निकालना है वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर, बताओ क्या होगा? वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर वी इक्वल्स टू आर आई आर सॉरी हाँ बिल्कुल सही, दिस इज आई आर। ठीक है, तो ये एलसीआर सर्किट में अक्रॉस कैपेसिटर, अक्रॉस इंडक्टर एंड अक्रॉस रेसिस्टर, दिस इज द वोल्टेज। नाउ वी वांट यस टू सर कैलकुलेट द नेट वोल्टेज इन एलसीआर सर्किट। नेट वोल्टेज इन एलसीआर सर्किट, ठीक है। तो देखो नेट वोल्टेज कैसे निकालेगा, तो नेट वोल्टेज निकालने के लिए देखो इम्पीडेंस का फॉर्मूला तुम्हें पता है, जेड इज इक्वल टू रूट ओवर एक्सएल माइनस एक्सी टू द होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। तो सिंस वी नो दैट Since we know that Z square is equal to XL minus XC to the whole square plus R square. Now we multiply both side I square. When we multiplying with I square, then this is I square into Z square is equal to I square into XL minus XC to the whole square plus I square into R square, okay? यही होगा, या इसको हम लोग लिख सकते हैं I into Z to the whole square and this is I into XL minus I into XC to the whole square plus I into R to the whole square. Okay. And please tell me what is I into Z? I into Z ये impedance होगा, voltage of across the impedance. Voltage, हाँ. Net voltage. I into Z का मतलब होता है net voltage. ठीक है, तो ये जो I into Z होगा, this is equal to the net voltage V. V is known as net voltage in LCR circuit. Net voltage in LCR circuit. Okay. और बताओ ये what is IXL? ये IXL क्या है? IXL ये inductance, voltage across the inductance. हाँ, बिल्कुल सही. VL. And what is IXC? Voltage across the conductor. Yes, correct. And I into R. Voltage across the resistor. Yes, correct. Voltage across the resistor. Then after putting these values, we are getting V square is equal to VL minus VC to the whole square and plus VR square, okay? This is net voltage. Yes, sir. तो ये तुम्हारा आ गया net voltage. या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में। तो बताओ स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो ये आ जाएगा V is equal to root over VL minus VC, sorry, VL minus VC to the whole square plus VR square, and this is net voltage. तो ये आ गया net voltage. Okay, is it clear? Yes, sir. ठीक है, तो ये नेट वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला है इन एलसीआर सर्किट। सर्किट
Now there is next topic in LCR circuit which is very important, most important, which is known as electrical resonance. This is very important topic in LCR circuit. The next topic is in LCR circuit is electrical resonance. Electrical resonance. Can you tell me what is the resonance? Resonance kya hota hai? So resonance. What is resonance? Nahi idea. Tumne wo chapter padha hai waves, class 11 mein sabse last chapter. हाँ, क्लास नाइन में तुमने पढ़ा होगा साउंड वेव्स. हाँ, हाँ. तो वहां पे रेजोनेंस एक टॉपिक पढ़ाया जाता है. और रेजोनेंस का एक प्रैक्टिकल भी है क्लास 11 में. अब देखो रेजोनेंस होता क्या है, पहले हम तुम्हें एक्सप्लेन कर दे रहे हैं. रेजोनेंस इज अ प्रोसेस इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ वन बॉडी इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अनदर body. If two body have the same frequency is known as electrical resonance. Okay, in this situation the amplitude of vibration of one body increases. Amplitude of vibration of one body increases is known as electrical resonance. मतलब ये है कि दो body के बीच का जो frequency जो है same होना चाहिए. अगर मान लो गिवन फ्रीक्वेंसी किसी दूसरे बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के अगर इक्वल है, तो उस केस में उस बॉडी का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का जो एम्पलीट्यूड जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, एंड दिस इज नोन एज रेजोनेंस. जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो, और हम लोग अपने रियल लाइफ में अक्सर देखते हैं कि जैसे मान लो टेबल पे कोई एक म्यूजिक सिस्टम रखा हुआ है, ठीक है, म्यूजिक सिस्टम, और मैंने म्यूजिक सिस्टम का क्या किया, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया. इसका साउंड का जो फ्रीक्वेंसी है, साउंड का फ्रीक्वेंसी अचानक मैंने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया. तो देखो उस टेबल पे जितने भी चीज रखे होते हैं, जितने भी तुम्हारे कप प्लेट बुक्स या कुछ भी होता है, हाँ, सारे के सारे चीजें वाइब्रेट करने लगती है. क्यों? क्योंकि म्यूजिक सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी जो है वो उन सारे बॉडी के फ्रीक्वेंसी के क्या है, इक्वल है, या उन सारे बॉडी के फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है. तो जिस होगी तब वाइब्रेट हाँ, करेगा, हाँ, इक्वल होगी, हाँ, तब हाँ, वाइब्रेट हाँ, करेगा. बिल्कुल सही. मतलब जो गिवन फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी जो हम दे रहे हैं, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, तो जो फ्रीक्वेंसी दिया जा रहा है वो उन सारे बॉडी के फ्रीक्वेंसी के इक्वल होना चाहिए, या तो उन सारे बॉडी के फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए. ओके, तो इन दिस सिचुएशन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ऑल बॉडीज इंक्रीजेस, दिस इज नोन एज रेजोनेंस. ठीक है. Yes, अरे जैसे मान लो होता है ना कि मान लो कि दो फ्रेंड है, ठीक है, तो कभी कभी होता है ना कि अगर मान लो कि अगर अच्छे फ्रेंड है तो काफी अच्छी ट्यूनिंग होती है, लेकिन अगर मान लो बहुत सारे ऐसे भी फ्रेंड होते हैं जिनके साथ अच्छी ट्यूनिंग नहीं बन पाती है, तो अगर हमारा किसी फ्रेंड के साथ अगर अच्छी ट्यूनिंग है तो हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग की फ्रिक्वेंसी जो है मैच हो रही है, हम लोग का काफी अच्छी फ्रेंडशिप है और हम लोग की फ्रिक्वेंसी एक दूसरे से मैच होती है. मतलब जो हम सोचते हैं वो सामने वाला भी वही सोच रहा है. Yes, sir. जो ना मतलब जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है. Sir, समझ और दो, समझ कर. मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो वही हाँ, चीज है. तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि मींस कि दो बॉडी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, तो एक बॉडी का जो एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन ऑफ एम्पलीट्यूड जो होता है इंक्रीज हो जाता है. अब देखो यही सेम चीज जो है एसी सर्किट में भी होता है. एसी सर्किट में क्या होता है कि जैसे अगर मान लो हम एसी करंट सप्लाई कर रहे हैं किसी एलसीआर सर्किट में, अगर हम एसी करंट सप्लाई कर रहे हैं तो एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी है, एसी करंट की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो उस एसी सोर्स के सॉरी एसी सर्किट के या एलसीआर सर्किट के फ्रीक्वेंसी के इक्वल होना चाहिए. तो उस केस में क्या होता है कि जो एसी करंट है, एसी करंट का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है. The amplitude of AC current
increases. This increases. is known as electrical resonance. Okay. Sorry. Yes, sir. ठीक है. तो देखो. When when natural frequency of AC current when natural frequency of AC current natural frequency of AC current is equal to the frequency of LCR circuit या frequency of AC circuit frequency of AC circuit then amplitude of AC current amplitude of AC current increases amplitude of AC current increases This process is known as this process is known as electrical resonance. Okay. अब जरा ये बताओ अगर करंट का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है एसी करंट का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो इम्पीडेंस क्या होगा व्हाट इज इम्पीडेंस व्हाट इज इफेक्ट ऑन द इम्पीडेंस इम्पीडेंस पे इफेक्ट क्या आएगा हाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी नहीं नहीं हम इम्पीडेंस पूछ रहा है इम्पीडेंस क्या होगा इम्पीडेंस हाँ मतलब मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा अच्छा अगर एसी करंट का एसी करंट का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो इम्पीडेंस क्या होगा बढ़ जाएगा मिनिमम ना होगा अरे भाई इम्पीडेंस क्या होता है इम्पीडेंस इम्पीडेंस इज द टाइप ऑफ रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस है ना हाँ तो एसी करंट अगर बढ़ रहा है तो रेसिस्टेंस तो मिनिमम हो जाएगा ना इट मींस दैट इम्पीडेंस इज मिनिमम ठीक है तो इन दिस सिचुएशन इम्पीडेंस is minimum impedance is minimum ठीक है इम्पीडेंस इज मिनिमम अब बताओ इम्पीडेंस मिनिमम कितना होगा इम्पीडेंस हाँ हाँ जेड इज इक्वल टू आर कैपिटल आर तो अगर इम्पीडेंस अगर मिनिमम है तो मिनिमम इम्पीडेंस जो होगा दिस इज जेड इज इक्वल टू आर मिनिमम इम्पीडेंस जो होगा जेड इज इक्वल टू आर ओके इट मींस दैट एलसीआर सर्किट इज बिहेव एज अ प्योर रेसिस्टिव सर्किट इट मींस दैट एलसीआर सर्किट ऐसे पकड़ के बोर्ड निकालना ठीक है और ब्लैक वाला प्लग एक हाथ से इज बिहेव एज अ
प्योर रेसिस्टिव स्विच ऑफ कर सर्किट, प्योर रेसिस्टिव सर्किट, एलसीआर सर्किट इज बिहेव एज अ प्योर रेसिस्टिव सर्किट, ओके? क्यों? अगर जेड तुम्हारा आर के इक्वल है तो इसका मतलब इस सर्किट में केवल क्या है, इस सर्किट में केवल आर है, तो इस सर्किट में केवल आर है, तो ये एलसीआर सर्किट प्योर रेसिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है? इज इट क्लियर? ओके, यस सर। अब जरा ये बताओ, अगर ये प्योर रेसिस्टिव सर्किट है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, हाउ मच फेज डिफरेंस? प्योर रेसिस्टिव सर्किट है तो फेज फाइ, व्हाट इज फाइ, हाउ मच सो फाइ जो ये tan phi था, tan phi equals to xl minus xcy r, no no no, I am asking how much phase difference, phi कितना होगा? अगर pure resistive circuit है, तो pure resistive circuit के लिए phi जो होगा, this is zero. अच्छा. Zero ना होता है? Yes. अरे जो सबसे पहला circuit हम लोग पढ़े थे starting में. Yes, उसके लिए मैंने क्या बताया था, उसके लिए मैंने ये नहीं बताया था कि फाई की वैल्यू जीरो होती है, प्योर रेसिस्टिव सर्किट के लिए फाई जीरो होता है, ओके? यस सर, ठीक है। अब देखो, कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, देखो ये जो हम बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना, इसको याद रखना, एग्जाम में ये पूछा जाता है जो हम बताने जा रहे हैं। yes, देखो टेन फाइ का फॉर्मूला तुम्हें पता है? टेन फाइ इक्वल टू जेडएल माइनस जेडसी बाय आर, एक्सएल माइनस एक्ससी, हाँ सॉरी सॉरी, एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर, ओके, एंड यू नो दैट फाइ इज इक्वल टू जीरो, फाइ इज इक्वल टू जीरो, तो फाइ अगर जीरो है तो इट मींस दैट दिस इज टेन जीरो इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर, और बताओ टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, हाउ मच? तो tan 0 की वैल्यू तो यही तो xl माइनस, नहीं tan 0 हम पूछ रहे हैं, tan 0 क्या होता है? tan 0 0 ही हो गया, 0 होता है, ठीक, करेक्ट, एंड दिस इज xl माइनस xc अपॉन r, देन xl माइनस xc इज इक्वल टू 0 ना, फोर एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, ओके, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, यस सर, दिस इज द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? इसको याद रखना, बोलना मत, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, ये इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस का कंडीशन है। अब देखो, अब इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस के केस में हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सर्किट, तो देखो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी, हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ, अब देखो वी नो दैट, वी नो दैट एक्सएल इज इक्वल टू
एक्सी वैल्यू पुट कर दो, एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल एंड एक्सी इज इक्वल टू होता है वन अपॉन ओमेगा सी. तो बताओ व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन एल इंटू सी ना. यस सर. देन ओमेगा इज इक्वल टू वन अपॉन रूट एल इंटू सी, क्यों यही होगा ना. यस सर. ओके अब बताओ ये व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा को क्या बोलते हैं, व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा को क्या बोलते हैं. इम्पीडेंस. इम्पीडेंस सॉरी इम्पीडेंस जेड होगा. इसको क्या बोलते हैं, जो दिमाग में था, इसको बोला जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी. हाँ सॉरी ओमेगा, ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ओके तो यहाँ ओमेगा के जगह पुट कर दो 2πf. Yes, sir. 2πf is equal to 1 upon root L into C. तो f is equal to आ जाएगा, f is equal to 1 upon 2π root L into C. तो ये तुम्हारा आ गया, this is f frequency. Okay. Is it clear? This is the yes, formula sir. Of frequency in LCR circuit. This is the formula of frequency in LCR circuit. Okay. Is yes, it clear? Aage samajh mein? Yes, theek sir. ठीक है तो आगे बढ़ते हैं. So, देखो इसी LCR circuit में अगला एक और topic है graph. Graph between graph between I and omega, I और omega के बीच में graph plot करना है. ठीक है तो देखो कैसे करेंगे. graph between I and omega, we draw y axis and current I is on the y axis and omega is on the x axis. ठीक है, this is origin. Yes, sir. तो ये है I और ये है omega. I is on the y-axis and omega is on the x-axis. बताओ I और omega के बीच में एक formula होता है, एक relation होता है, पता है? I is equal to I naught sine omega t. क्यों? ये होता है ना? पता है कि नहीं? I is equal to I naught sine omega t. अब बताओ अगर इस omega की value को अगर हम increase करेंगे तो sine omega t की value भी increase होगी? If we increase omega, then sin omega t also yes, increases. And if sin omega t increases, it means that I also increases. If sin omega t increases, it means that I also increases. Okay? तो जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसमें देखो ये जो है ओमेगा बढ़ाने पे तो ये देखो I की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. ठीक है ये, और इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे I मैक्सिमम है. ठीक है, जीरो से 90 डिग्री के बीच में साइन ओमेगा टी इंक्रीजेस. फ्रॉम जीरो टू 90 डिग्री साइन ओमेगा टी इंक्रीजेस. बट आफ्टर 90 डिग्री, फ्रॉम 90 टू 180 डिग्री साइन आई इज डिक्रीजेस. क्यों? जीरो से 90 डिग्री के बीच में साइन ओमेगा टी, साइन थीटा की वैल्यू जो होती है बढ़ती है, लेकिन 90 से 180 डिग्री के बीच में साइन थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है. तो अब देखो 90 से 180 के बीच में अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये देखो साइन ओमेगा टी डिक्रीज हो रहा है, तो इट मींस आई जो होगा आई भी तुम्हारा डिक्रीज होगा. फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री साइन ओमेगा टी इंक्रीजेस,
but from 90 to 180 degree sine omega t decreases. It means that from 0 to 90 I increases and from 90 to 180 I decreases, and it is maximum at the frequency omega, and it is maximum at the frequency omega, angular frequency. Okay, but in case of resonance, electrical resonance, in case of electrical resonance, the amplitude of AC current increases. In case of electrical resonance, the amplitude of AC current increases. तो ये देखो AC current का जो amplitude जो है वो इस point पर ये maximum हो गया, और maximum होने के बाद अब देखो ये suddenly जो है ये इस तरह से घट रहा है. ये देखो AC current decreases. ठीक है, तो ये क्यों इंक्रीज हो रहा है, आ गया समझ में? क्योंकि ये किस पे लिया जा रहा है, रेजोनेंस पे लिया जा रहा है. दिस इज कंसीडर एट रेजोनेंस. ओके, तो इस रेजोनेंस पे आई की जो वैल्यू जो है ये पहले से बढ़ गया. पहले देखो, पहले यहाँ पे तुम्हारा ये जो करंट जो था, सॉरी, ये पहले तुम्हारा करंट कितना था, आई नॉट. लेकिन इस पॉइंट पे ये जो तुम्हारा जो करंट है, जैसे सपोज मान लो ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, तो पॉइंट बी पे करंट हमारा मैक्सिमम है, एंड दिस इज आई नॉट मैक्स. आई नॉट मैक्स ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस है. पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस है, देयर इज इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस एट द पॉइंट बी. So that's reason amplitude of AC current increases. आगे समझ में? तो B पे electrical resonance को ये represent कर रहा है, और electrical resonance के केस में I का जो amplitude होगा वो सबसे ज्यादा होगा, और यहाँ पे omega किसके equal है, omega f. omega f का मतलब होता है angular frequency at electrical resonance, या इसको omega r भी लिखते हैं. ओमेगा आर का मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंस. ओके, इज इट क्लियर? यस सर. आगे समझ में? तो ये देखो, ये आई का ग्राफ है, ये आई और ओमेगा के बीच का ग्राफ है. तुमको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आई और ओमेगा के बीच का करेक्ट ग्राफ कौन सा है, तो इस तरह से तुमको एग्जाम में ग्राफ दिया रहेगा. अगर सपोज आई और ओमेगा के बीच में अगर ये ग्राफ अगर दिया हुआ है तो ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा. ओके, ठीक है ना? यस सर. एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो सर. ओके, तो देखो एलसीआर सर्किट तुम्हारा